हेलो बच्चों, आज हम अध्याय जल मंडल के दूसरे भाग पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महासागरीय जल की गतियों पे। बच्चों, इसके अंतर्गत हम तरंगे, सुनामी और ज्वारभाटा पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं महासागरीय जल की गतियों से। बच्चों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं कि महासागरीय जल की जो गतियां हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, तरंगे अर्थात वेव्स, ज्वारभाटा अर्थात टाइड्स और महासागरीय धाराएं अर्थात ओशन करंट्स। तो बच्चों, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे तरंगे से अर्थात वेव से। बच्चों, महासागरीय सतह पे जल जो है लगातार उठता और गिरता रहता है और इसी उठने और गिरने की प्रक्रिया को हम तरंग कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो तरंग है वो कैसे बनती है। तो बच्चों, महासागरीय जल की सतह पे जब पवन का घर्षण होता है तो इस घर्षण के द्वारा जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं। बच्चों, इन तरंगों की जो गति है वो दोलनात्मक अर्थात ओसिलेटरी होती है। ओसिलेटरी का मतलब होता है रिपीटेटिव अर्थात जो बार बार एक ही क्रिया दोहराई जाए। तो बच्चों, तरंगों की गति कैसी होती है? दोलनात्मक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महासागरीय जल की गतियों को जारी रखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं तरंगे अर्थात वेव्स पे। बच्चों, तूफान के दौरान तेज पवन चलने के कारण काफी विशाल एवं ऊंचाई वाले तरंगे उत्पन्न होती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण भी कभी-कभी महासागरीय जल में अत्यधिक विस्थापन होता है और बहुत भारी तरंगे उत्पन्न होती हैं। बच्चों, इस कारण 15 मीटर की ऊंचाई तक जो ज्वारीय तरंग उठती हैं, उन्हें हम सुनामी कहते हैं। और आपको बता दें कि अभी तक की सबसे विशाल सुनामी तरंग 150 मीटर ऊंची मापी गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा महासागरीय जल की गतियों को जारी रखते हुए अब हम सुनामी पे चर्चा करेंगे। बच्चों, सुनामी अर्थात TSUNAMI, ये जो शब्द है वो जापानी भाषा के दो शब्दों TSU अर्थात सू और NAMI अर्थात नामी से मिलकर बना हुआ है। और सुनामी का जो अर्थ है वो होता है समुद्र तट की ओर से आती हुई लहरें। बच्चों, दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में अब तक की सबसे विनाशकारी सुनामी आई थी, जो बहुत ही शक्तिशाली भूकंप तीव्रता जो कि है 8.9 से पैदा हुई थी। बच्चों, इस सुनामी के कारण हिंद महासागर के कई द्वीप जो हैं डूब गए हैं। बच्चों, यहां तक कि हिंद महासागर के तटीय देशों में लगभग 2,80,000 लोग मारे गए। भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे। बच्चों, 2007 में इस सुनामी से लड़ने के लिए भारत ने अपना सुनामी पूर्व सूचना तंत्र विकसित कर लिया था। बच्चों, आइए एक नजर हम झारखंड के जल संसाधन पे डालते हैं। बच्चों, झारखंड का जो है कुल जल संसाधन वो 30,168 मिलियन घन मीटर है। इसमें सतही जल जो है वो है 25,800
76.98 मिलियन घन मीटर तथा भूमिगत जल जो है वो है 4,292 मिलियन घन मीटर। बच्चों, झारखंड की प्रमुख नदियां और उनमें उपलब्ध जल संसाधन को दी गई तालिका से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि इधर नदी घाटी सच एज दामोदर नदी घाटी, बराकर नदी घाटी, स्वर्णरेखा नदी घाटी, कोयल नदी घाटी आदि दिए हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे या इन नदियों में कितना जल संसाधन है वो भी दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें दामोदर नदी घाटी की, तो दामोदर नदी घाटी में जल संसाधन की मात्रा है 4,121 मिलियन घन मीटर। वहीं पे शंख नदी घाटी में यहाँ का जल संसाधन का जो मात्रा है वो है 2,373 मिलियन घन मीटर। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महासागरीय जल की गतियों पे जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे ज्वार भाटा पे। बच्चों, महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। बच्चों, जब सागरीय जल ऊपर उठ के तट की ओर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार अर्थात हाई टाइड कहते हैं। और वहीं पे अगर सागरीय जल के नीचे गिरने और तट से दूर जाने को भाटा अर्थात लो टाइड कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम ये बता दें कि ये जो हाई टाइड और लो टाइड वाली जो स्थिति है वो दिन में निश्चित समय पे दो बार जरूर आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा महासागरीय जल की गतियों पे जारी रखते हैं। बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं ज्वार भाटा का। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं। बच्चों, ज्वार की उत्पत्ति के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में चंद्रमा का पृथ्वी से नजदीक होना है, जबकि बच्चों सूर्य पृथ्वी से काफी दूर होने के कारण ज्वार की उत्पत्ति में बहुत ही छोटा योगदान दे पाता है। बच्चों, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो चंद्रमा के पास है और इसी डिस्टेंस के कारण जो है ज्वार की उत्पत्ति ज्यादा होती है, जबकि सूर्य जो है वो पृथ्वी से काफी दूर है, जिसके कारण ज्वार की उत्पत्ति में सूर्य का बहुत ही कम योगदान होता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा को महासागरीय जल की गतियों पे जारी रखते हैं। बच्चों, ज्वार भाटा जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला बृहद ज्वार और दूसरा लघु ज्वार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बृहद ज्वार से। बच्चों, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी ये तीनों जो हैं एक सिद्ध में होते हैं, तो दोनों ओर से आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। बच्चों, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। तो बच्चों, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों जो है एक सिद्ध में होते हैं, जिसके कारण दोनों की आकर्षण शक्ति जो है एक साथ मिलकर काम करती है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा महासागरीय जल की गतियों पे जारी रखते हैं। बच्चों, अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की ज्वार जो है लघु ज्वार पे। तो बच्चों, प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों मिलके जो है एक समकोण बनाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, इस चित्र में आपको यहाँ पे पृथ्वी दिख रही है और पृथ्वी के ठीक सीधे में आप यहाँ पे सूर्य को देख सकते हो और चंद्रमा जो है आपको पृथ्वी के ठीक ऊपर सीधे में दिखती है। तो बच्चों, इस आकृति को ध्यान से देखिए। ये आकृति जो है एक कोण बनाती है, अर्थात समकोण बनाती है। तो बच्चों, ये है लघु ज्वार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा महासागरीय जल की गतियों पे जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे ज्वार भाटा के महत्व पे। तो बच्चों, सबसे पहला महत्व है इसका नमक उत्पादन में, अर्थात सॉल्ट प्रोडक्शन में। बच्चों, कई स्थानों पे उच्च ज्वार के समय सागर का जो जल है समुद्री तट के किनारे निम्न भूमि में जमा हो जाता है और जिसका उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा महत्व है ज्वार ऊर्जा, अर्थात टाइडल एनर्जी। बच्चों, महासागरों के कुछ स्थानों पे ये जो ज्वार भाटे से जल में होने वाले उतार चढ़ाव का उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है और इस प्रकार की जो ऊर्जा है उसको हम ज्वारीय ऊर्जा अर्थात टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ज्वार भाटे का जो तीसरा महत्व है वो है मौसम संबंधित। बच्चों, ज्वार भाटा के नियमितता के कारण समुद्री जलवायु समुद्री जल जीवन के रहने के योग्य बनती है और इस प्रकार पृथ्वी के जो तापमान है उसका संतुलन भी करती है। चलिए अब हम देखते हैं ज्वार भाटा का महत्व, अर्थात चौथा महत्व। तो वो है ज्वार पूर्ण खाद्य क्षेत्र, अर्थात टाइडल जोन फूड। बच्चों, ज्वार भाटा की नियमितता के कारण ज्वारी क्षेत्रों के समुद्री जीव जैसे केकड़े, घोंघे, समुद्री शैवाल आदि की संख्या संतुलित रहती है। और तो और बच्चों, अगर ज्वार भाटा नियमित ना हो तो इनकी संख्या कम या लुप्त हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं ज्वार भाटा का पांचवा महत्व, वो है मत्स्य पालन। बच्चों, ज्वार समुद्री जीव जैसे समुद्री पौधे और मछलियों की प्रजनन गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। चलिए अब जो हम अगला महत्व है वो देखेंगे, जो है नौ परिवहन, अर्थात नेविगेशन। तो बच्चों, उच्च ज्वार समुद्री यात्राओं में मदद करते हैं। वे समुद्री किनारों से पानी का स्तर बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से जहाज को बंदरगाह पे पहुंचने में मदद मिल जाती है। तो बच्चों, ये थे हमारे ज्वार भाटा का महत्व। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हमने महासागरीय जल की गतियों को जारी रखा। इसके अंतर्गत हमने तरंगे और ज्वार भाटा पे चर्चा की। बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे महासागरीय धाराएं और महासागरीय धाराओं के प्रभाव पे। तब तक के लिए धन्यवाद।